हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल झार स्टडी क्लासेस टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्टी टू टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ऑफ द चैप्टर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर थर्टी बट बिफोर दिस लेट मी टेल यू कि अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इससे पहले की तो आप प्ले से चेक कर लेना वहाँ आपको मिल जाएगी और प्लीज़ एक बार बुक ज़रूर पढ़ें जो भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाना उस चैप्टर को जरूर एक बार पढ़े उसके बाद ही सॉल्यूशन आप बनाना स्टार्ट करें ताकि आपको सारे टर्म्स बताओ तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इस टाइप के क्वेश्चन वैसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वगैरह जो देखा वो भी था तो क्वेश्चन देखते हैं फिर सॉल्यूशन देखेंगे इसका तो यहाँ पे दो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वाई एंड जेड ठीक है Z, अब इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है तो एक्स मतलब कि एक्स जो है वो मेन प्रोडक्ट बना रहे जिसके साथ वाई एंड जेड जो है वो हमारा बाय प्रोडक्ट बन रहा है और उसके एक्सपेंसिज क्या गिवन है जो ज्वाइंट एक्सपेंसिज वो यहाँ पे और जो सबके सेपरेट एक्सपेंसिज है वो अलग अलग तो गिवन है ठीक है सेलिंग प्राइस भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है सबके सेलिंग प्राइस भी गिवन है यहाँ पे और कितना प्रॉफिट होगा ये भी गिवन है अब चलिए आपको क्या करना है सेपरेट अकाउंट्स बनाना है सबका कोस्ट दिखाना है तो कैसे बनाते हैं ये तो आई होप आपको पता है चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है सबसे पहले जो भी बाय प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट है जिसके भी सेलिंग प्राइस गिवन होते हैं उस चीज़ को आप लिखते हो ठीक है तो जैसे एक्स वाई जेड हो गया और इसका सेलिंग प्राइस उसके बाद जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं अब जिस जैसे कि इसका परसेंटेज गिवन है कि एक्स का जो है वो ट्वेंटी परसेंट होगा और वाई वाले का जो इतना परसेंट एंड जेड वाले का इतना ठीक है और उसके बाद उस चीज़ को लेस करने के बाद क्या होता है जो सबके अपने अपने एक्सपेंसेज हैं उस चीज़ को जैसे एक्स का जो भी सेपरेट एक्सपेंसेज है उसको एक्स से लेस कीजिए वाई वाले को वाई एंड जेड वाले को जेड से तो ओवरऑल आपका जो ये अमाउंट आता है तो ये जो है ना जो भी ज्वाइंट एक्सपेंसेज गिवन है उसमें किसका कितना शेयर है वो निकल के आता है अगर आप आप देखोगे कि इसको इसको और इसको ऐड करेंगे टोटल और जो ज्वाइंट एक्सपेंसिज है उस टोटल को देखेंगे दोनों इक्वल आएगा तो समझ गए यानी कि जो टोटल ज्वाइंट एक्सपेंसेज है उसमें एक्स का कितना शेयर है वाई का कितना है जेड का कितना है वो निकल के आता है उसके बाद सबसे पहले आप मेन प्रोडक्ट का अकाउंट बनाते हो और अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है डी आर साइड होता है और एक सी आर साइड होता है पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर एंड अमाउंट तो ऐसे आपको बनाना है तो मेन प्रोडक्ट वाले में क्या होता है जो आप मेथड यूज कर रहे हो जो मैंने आपको बताया है वो ये है कि जो इसके सेपरेट एक्सपेंसेज है मेन प्रोडक्ट के वो तो लिखना ही है और जो ज्वाइंट एक्सपेंसेज है ना वो सारा इसमें लिखना होता है ठीक और इस साइड में अपना जो वाई का बाय प्रोडक्ट अकाउंट में जो शेयर आया है ज्वाइंट वाले में वो और जो जेड का है उस चीज़ को लिखते हैं उसके बाद बैलेंसिंग करने के बाद जो चो चो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है ये हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट उसके बाद जो वाई है बाय प्रोडक्ट उसका अकाउंट बनाएंगे और जेड का बनाएंगे इसमें जो इसके एक्सपेंसिज है उस चीज़ को लिखते हैं और जो शेयर है जॉइंट एक्सपेंसिज में उसको लिखते हैं तो ऐसे बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी जो कि बहुत ईजी है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो थर्टी आपने देखा वैसा ही है सब कुछ बस आपको अच्छे से देखना है कि कौन सा बाय प्रोडक्ट है कौन सा मेन प्रोडक्ट है और किसका कितना परसेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है देखना अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब यहाँ पे क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट है ज्वाइंट एक्सपेंसेज का वो ज़्यादा है किसके कंपेयर में अगर ज्वाइंट एक्सपेंसेज को आप देख रहे हो गिवन क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग अब ये क्या कहना है इसका मतलब क्या है इस चीज़ को देखेंगे तो देखिए पहले सबसे पहले क्या है कि एक्स जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है जिससे वाई एंड जेड जो है बाई प्रोडक्ट निकल रहा है अब जॉइंट एक्सपेंसिज गिबन है यहाँ पे कि मटेरियल लेवल एंड ओवर का कितना लगेगा और सबके जो सेपरेट एक्सपेंसिज है एक्स वाई जेड के वो गिभन है सेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड प्रॉफिट सब कुछ गिवन है अब आपको दिखाना है कि ज्वाइंट एक्सपेंसेस जो है वो कैसे किस प्रोपोर्शन में है और नेसेसरी अकाउंट बनाना है अब ये टॉपिक ध्यान से याद रखेंगे आपका टॉपिक ये है कि जो ज्वाइंट एक्सपेंसेज है वो मोर देन होगा जो जॉइंट एक्सपेंडिचर जो क्वेश्चन में गिवन है उसके कंपेयर में इसका क्या कहने का मतलब है ये जब आप सोल्यूशन देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पहला जो आप काम करोगे वो तो बिल्कुल वैसे ही होगा एक्स वाई जेड लिखेंगे सेलिंग प्राइस लिखेंगे जो प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट है उतना परसेंट आप लेस कर दोगे उसके बाद जो सबके सेपरेट एक्सपेंसिज गिवन है उसको लेस कर दिया आपने अब आपके पास बैलेंस आया तो अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखा थर्टी वन थर्टी टू में उसमें क्या होता था जो बैलेंस हमारा आता था जो शेयर्स जो आता था हमारा इन ज्वाइंट एक्सपेंसेज ये इसको ऐड करने पर और जो क्वेश्चन में गिवन होता था जॉइंट एक्सपेंसिज टोटल दोनों इक्वल होते थे लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या होगा डिफरेंट होगा यानी कि यहाँ पे जो बैलेंस आएगा जब इसको ऐड करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा किस से जो टोटल आपके क्वेश्चन में गिवन है जैसे कि यहाँ पे देखिए जो आपके एक्स वाई एंड जेड क्या है वो नाइनटी टू थाउजेंड फाइव सिक्सटी टू थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड इन सबको ऐड करेंगे ना तो टू एंड फाइव थाउजेंड आ रहा है आपका जो ज्वाइंट एक्सपेंसिज आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है वन एंड एटी थाउजेंड यानी कि वो सेवेंटी फाइव थाउजेंड फिफ्टी फोर थाउजेंड एंड फिफ्टी वन या वन उसको ऐड करेंगे तो वन लाख एट्टी थाउजेंड यानी कि डिफरेंस कितने का आ रहा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का तो ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो एक्स्ट्रा है ये आखिरकार कहाँ मतलब एक्सपेंस हो गया जो ज्वाइंट एक्सपेंसिज में नहीं दिख रहा है तो इस चीज़ को अब दिखाना होता है तो जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना जो डिफरेंस होता है इसको आपको प्रोपोर्शन में जो रेशियो है उसमें आपको बांटना होता है ठीक है और ये किसको जाता है किस टाइप के एक्सपेंसिज में इस एक्स्ट्रा अमाउंट को रखेंगे तो वो चीज़ जो है ना आप रखते हैं यहाँ पर सेलिंग uh, जो रेशियो होता है ना उस रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये आपका सेलिंग एक्सपेंसेज है ठीक है तो सेल रेशियो इसका क्या गिवन है इतना इतना और इतना सेल जो रेशियो है उससे आपका फाइव इंस टू थ्री इंस टू टू आ गया अब जो टोटल एक्स्ट्रा कितना है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को इन तीनों में बांट देना है आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तो ये चलिए इतना जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज था जो जो जॉइंट एक्सपेंसेज से ज़्यादा हो गया था उसको तो क्या क्या आपने सेलिंग एक्सपेंसेज में जो सेलिंग रेशियो आया उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट किया कर दिया और इसको एज अ सेलिंग एक्सपेंसेस शो करेंगे बाकी अब फिर वही सब कुछ है देखिए इतना इतना बैलेंस था ना अब जब आपने लेस कर दिया ये सेलिंग एक्सपेंसेस जो आपने यहाँ पर निकाला ठीक है अब जो बैलेंस बचा ना इसको ऐड करके देखिए और जो क्वेश्चन में गिवन है ज्वाइंट एक्सपेंसेज उसका अमाउंट देखिए दोनों इक्वल आ जाएगा बस इतना ही तो काम करना होता तो है उसके बाद तो अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो मेन प्रोडक्ट का अकाउंट बनता है राइट तो मेन प्रोडक्ट में आपको क्या करना होता है कि दोनों यानी कि जो इसका सेपरेट है वो तो दिखाना ही है और ज्वाइंट भी दिखाना होता है और ये जो आपका शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेज है वाई एंड जेड का उसको दिखाएंगे बाकी ये बैलेंसिंग फिगर बनेगा नेक्स्ट उसके बाद वाई एंड जेड ये दोनों बाई प्रोडक्ट है इनको आपको दिखाना होता है ध्यान से दिखाएंगे अच्छे से बस आपको अच्छे से देखना है कि क्या क्या, क्या एक्सपेंसेस गिवन है और इस क्वेश्चन को ना आप बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद जेड बाय प्रोडक्ट अकाउंट अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर देयर इज अ मेन प्रोडक्ट एंड इट्स बाय प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी ठीक है अब क्या है कि जो ज्वाइंट एक्सपेंसिज है वो भी यहाँ पे गिबन है अब सेपरेट एक्सपेंसिज है वो भी गिबन है और यहां पे देखना है कि एज्यूम करना है कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस रेशियो में सेल रेशियो यानी कि इसमें भी एक्स्ट्रा आने वाला है उसको सेल रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अब वही आपको दिखाना है प्रोसेस कैसे आप कैलकुलेट करोगे और कैसे इसका अकाउंट में आपको शो करना है चलिए देखते कैसे है ये तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर सबसे पहले ए बी एंड सी लिखेंगे सेल्स जो है उस चीज़ को लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट को लेस करेंगे अब जो बैलेंस आया उसमें से लेस करेंगे सबके जो अपने सेपरेट एक्सपेंसेज हैं उसको लेस करने के बाद जो बैलेंस आया अब फिर से आप ये कीजिए सारे बैलेंस जो आए हैं ए बी एंड सी का इसको आप ऐड कीजिए ठीक है यानी कि सेल uh, में से प्रॉफिट लेस करने के बाद और जो सेपरेट एक्सपेंसेज है वो लेस करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है उसको आप ऐड करके देखिए जब आप ऐड करेंगे तो वहीं देखेंगे कि क्वेश्चन के कंपेयर में ज्यादा हो जा रहा है क्वेश्चन में आपका सिक्सटी थाउजेंड है ना जबकि आपका जो आ रहा है ज्वाइंट जो शेयर आ रहा है वो एट्टी आ रहा है यानी कि ये डिफ्रेंस है कितने का ट्वेंटी का तो इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में सेल रेशियो में क्वेश्चन में, में? में गिवन है तो सेल यहाँ पे गिवन दिया हुआ है इसका रेशियो निकालेंगे और इस अमाउंट को जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इस तीनों में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो कि आपका एज ए सेलिंग जो है वो यूज होता है अब जो देखिए बैलेंस इतना इतना बचा था ना ए का अब इसमें से जो सेलिंग एक्सपेंसिज आपका आया इसको लेस कीजिए अब जो शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसिस अब जो ये बैलेंस है इसको ऐड करके देखिए और ज्वाइंट एक्सपेंसिज जो क्वेश्चन में गिवन है उसको ऐड करके देखिए दोनों के अमाउंट सेम आ जाएंगे उसके बाद तो आपको मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनाना है यानी कि यूं कहें कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कैलकुलेट करना कि किसका क्या शेयर है ज्वाइंट एक्सपेंसेस में तो इस चीज को अगर आपने ध्यान से कर लिया ना फिर आप जो प्रोडक्ट अकाउंट बनाना है वो तो बहुत सिंपल है जो भी एक्सपेंसेस है सबको लिखेंगे बाद में बैलेंसिंग फिगर बनेगा हमारा इसके बाद जो इसके बाय प्रोडक्ट है बी एंड सी इसको बनाएंगे ध्यान से देखेंगे बस आपको अच्छे से देखना है पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर एंड अमाउंट अकाउंट फॉर्मेट में बनाते हैं तो एक डी आर साइड होता, और होता है और दूसरा हमारा सी आर साइड होता है ठीक है अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इसमें क्या कि आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट जो दिखाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब एक फैक्ट्री है जो कि प्रोडक्ट एक्स है जिसका बाय प्रोडक्ट वाई निकल रहा है अब जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर वगैरह है वो सब कुछ गिवन है जॉइंट एक्सपेंसेज इतने हो रहे हैं और जो सेपरेट एक्स एंड वाई के वो इतने हैं सेलिंग प्राइस है एस्टिमेटेड प्रॉफिट है ठीक है अज्यूम करना है कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है वो सेलिंग रेशियो में जो सेल प्राइस के रेशियो आएंगे उसमें बांटना है आपको अब आपको दिखाना है कि कैसे आप इस चीज़ को दिखाते है। हैं स्टेटमेंट के फॉर्मेट में ध्यान रखेंगे अभी तक जो है आप बना रहे थे अकाउंट यहाँ पे आपको क्या दिखाना है स्टेटमेंट दिखाना है चलिए देखते कैसे बनेगा तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव सबसे पहले ये वाला जो काम करना होता है आपको जॉइंट एक्सपेंसेज वाला आ, कि कितना कितना किसका है शेयर तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस उसमें से लेस करेंगे जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो फिर जो अमाउंट आता है उसमें लेस करना होता है जो उसके सेपरेट एक्सपेंसेज है वो उसके बाद आपका बैलेंस आ रहा है तो फिर वही केस होगा आपका कि जो टोटल आप बैलेंस देखोगे जो अभी आएगा सेलिंग uh, में से प्रॉफिट और जो सेपरेट एक्सपेंसेज है उसको लेस करने के बाद तो इनके जो शेयर्स आएंगे ना उस चीज़ को जब आप देखोगे जो बैलेंस आ रहे हैं उसको ऐड करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू व्हाट जो आपका गिवन है क्वेश्चन में जॉइंट एक्सपेंसेज तो उसको लेस कर देते हैं और वो जो चीज़ है जो एक्स्ट्रा आया है उस एक्स्ट्रा को आपको क्या करना होता है डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस रेशियो में गिवन है सेल रेशियो में तो सेल रेशियो में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अभी देखिए अभी आपके पास बैलेंस इतने इतने थे अब इसमें से लेस कर दीजिए जो सेलिंग वाला आया है आपका दोनों का और ये करने के बाद जो आपका आएगा ना इस चीज़ को जब दोनों बैलेंस को ऐड करेंगे और जो शेयर्स ज्वाइंट एक्सपेंसेस का क्वेश्चन में गिवन है वो दोनों सेम आएगा इस चीज़ को मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज आप ध्यान से देखोगे कि दोनों को ऐड करने पे इक्वल आ रहा है कि नहीं ये जरूरी है अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक आप अकाउंट के फॉर्मेट में बना रहे थे ठीक है कहीं भी जो भी क्वेश्चन था उसमें कह रहा था नेसेसरी अकाउंट बनाना है अब आपको इसमें क्या है स्टेटमेंट दिखाना है तो डिफरेंस ये हो जाता है कि अकाउंट्स के फॉर्मेट में डी आर साइड एंड सी आर साइड होता है यानी एक पार्टिकुलर एक अमाउंट बनाते हैं फिर पार्टिकुलर एंड अमाउंट तो एक डी आर के लिए होता है और दूसरे सी आर साइड के लिए होता है लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता है स्टेटमेंट में जो है ना डायरेक्ट पार्टिकुलर लिखते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट का जो अमाउंट है एक्स एंड वाई आपने दो कॉलम बना दिया ठीक है एक दो प्रोडक्ट है यहाँ पे एक्स एंड वाई उसके अमाउंट के लिए अब इसमें क्या होता है स्टार्टिंग से लिखना शुरू करते हैं जो चीज़ ऐड करना होता है उसको ऐड लिख करके ऐड करते हैं लेस करना होता है तो उस चीज़ को लेस करते हैं ठीक है तो इसको ऐसे बनाते हैं ध्यान से देखोगे और ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपको बनाना था अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं इस चीज़ को भी देखोगे इसलिए मैं कहती हूँ कि लास्ट तक आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एक एक वर्ड आपको समझना है तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो